लोग ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे ना, ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे काट देंगे। कब काटेंगे, कल 4 बजे? 4 बोलो, सुबह काट देंगे हम। हाँ आप उठोगे, देखोगे काओ को अपनी, इधर देखो, काओ को काटोगे आप? सबको मारेगी काओ। हाँ सुबह काओ की गला काट दिया था ना। पाँव को बांध देंगे, फिर रस्सी से काटेंगे ना, गला काट देंगे ना उसका। हाँ। आप करोगे? ये, मामा। मुन्नू को भी काटेंगे ना? हाँ। ये। मुन्नू को भी काट देंगे। बोलो नो चाचू। मैं काटूं? मैं नहीं काटूं, मैं को क्यों काटोगे? खुद काटूंगा। बोलो मैं बड़ा हो गया, मैं बोलो मैं बड़ा हो गया, मैं खुद गाय काटूंगा। हाँ अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो आज ईद का सेकंड डे है और आप सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारी गाय आज सुबह सुबह 4-5 बजे जो है ना, वो अल्लाह ताला के फजल से ज़िबा हो गई। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल करें। तो कुर्बानी हो गई, गोश्त वगैरह जो है ना वो कट होकर ऊपर आ चुका है अभी, तो फिर हिस्से वगैरह बन जाएंगे, तो फिर बस मैं जाएगी गोश्त बांटने के लिए। तो चलें फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ सही है, बस दादी भाई थोड़ा तेज तेज। हाँ और ये हमारी कुर्बानी डन हो गई है। उनका गोश वहीं जाएगा, सबका गोश। मैं जो है ना अभी नहाऊंगा, मस्त मतलब पापा अपने ससुराल में बैठे हैं, आप लोग अपने ननिहाल नहीं जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज ईद का सेकेंड डे है और व्लॉग तो बिस्मा ने स्टार्ट कर लिया था, फिर उसके बाद हम कुर्बानी में बिज़ी हो गए, फिर हिस्से बनाए, फिर उसके बाद जो है ना वो थोड़ी देर सोए और फिर बिस्मा गोश्त वगैरह बांटने के लिए चली गई। और अब मामू के घर में मेरी दावत है, तो अभी हम रेडी हो चुके हैं उनके घर जाने के लिए। और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम मामू के घर जाने के लिए निकल रहे हैं घर से, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से दावत पर। रैप चलें।
आई एम रेडी, जल्दी चलें, सब चले गए, सिर्फ हम दोनों रह गए। अभी मैं उजड़ा चमन बन चुकी हूँ, नींद लगना चाहिए। ज़रैन इसका थंबनेल डालना, ज़रैन जेब को टक्कर मारोगे दिमाग की दौड़ बिगड़ गया। जोनी क्या हुआ, डाल दे डाल दे, ठीक है। यो यो नहीं, क्या चाहिए? मुझे मुझे पिक्चर देखनी है। और पिक्चर देखनी बाबा बात देखनी। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और ये बिस्मा बच्चों को संभालते हुए। और ये दुनिया की सबसे बड़ी बेजार औरत। तो इस वक्त हम हैं मामू के घर में और उनके घर, क्योंकि मैंने बताया था कि आज हमारी दावत थी, तो हम खाना वगैरह खा के फ्री हो चुके हैं। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि सब लोग जहाँ पर मौजूद होते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कितने लोगों को इसमें से वीडियो में नहीं आना होता है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा दावत का व्लॉग नहीं बनाया। The next day. तो जी रात को तो बहुत थक गए थे, तो इसलिए वीडियो एंड नहीं की, तो मैंने सोचा कि अभी एंड कर लेते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? अच्छा चलें, अभी हम लोग भी जाएंगे गोश बांटने। हम लोग अभी बस जाने वाले हैं थोड़े 2 मिनट। नहीं वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी टाइम। बिस्मा एज यूजुअल सो रही है, तो उससे मैं बहुत उठाती हूँ पर वो उठती नहीं है, तो इस वजह से हमारी वीडियो जो है ना रुक जाती है, बननी बनती नहीं है, तो फिर अब जो है ना वो मैं खुद ही वीडियो बना लेती हूँ। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में बहुत याद रखना। अल्लाह हाफिज़।